मैं डॉक्टर विवेक शाह, प्रेसिडेंट आईडी आगरा ब्रांच का हूँ, और इस कॉन्फ्रेंस जो हमारी हो रही है दो दिन की आइडोकॉन 2024, इसका भी मैं ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हूँ। तो बताइए क्या चीज़। हमारा प्रोग्राम जो है 24th and 25th of August 2024 को है, और सुबह 9:30 बजे से शाम को 5-6 तक तो रहेगा ही, दोनों दिन इतने बजे तक का है। आगरा के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज मैंने पहले दिन पर बताया कि जो भी कॉन्फ्रेंस ये हो रही है उसमें स्पीकर बाहर से आ रहे हैं, तो वो अपनी नॉलेज हमको इम्पार्ट करेंगे, उस नॉलेज का फ़ायदा हमको होगा जो कि हम पेशेंट को देंगे अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट जैसे कह लो या एंड जो कह लो वो तो पेशेंट ही है ना, हमको तो काम उसी के लिए करना है, तो वो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा तो हम डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। तो कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा यूज़ यही होता है कि हम नॉलेज गेन करते हैं, कि जो हमको स्कूल कॉलेज छोड़ो वो तो बहुत समय हो गया, तो उसके बाद जो भी नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, रिसर्च आ रही है, वो सब हम सबको कैसे मिलेगी, तो इस ये सब हमको कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से ही मिलती है। हाँ, अभी तक डॉक्टर साहब ने भी बताया, मालूम पड़ा कि अभी 75 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होने वाली हैं। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, मैं आप सभी लोगों को ये सूचित करने जा रहा हूँ कि आगरा में बड़े स्तर पर 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के पूरा आगरा इसमें सहयोग कर रहा है, चाहे वो जनभागता के हिसाब से देखा जाए तो सारे जनरल डेंटिस्ट इसमें भाग लिए जा रहे हैं। इसमें हर स्पेशलिटी का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में 7 ब्रांचेज होती हैं, जैसे MBBS के बाद होती हैं इसी तरह इसमें भी अलग अलग डिवीजन ब्रांचेज होती हैं, तो हर ब्रांच के स्पीकर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आईडी आगरा ब्रांच कर रही है। पिछले साल से जब मैं प्रेसिडेंट था उस समय एडाकॉन 2023 के नाम से ये स्टार्ट किया गया था, इससे पहले इस तरह के प्रोग्राम आगरा में नहीं होते थे, तो इस बार ये इसको 2 दिन, जब लोगों का रुझान देखा गया कि लास्ट ईयर सक्सेस रेट बहुत अच्छी रही, तो इसको 2 दिन के लिए कर दिया गया, क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं, कम समय बच रहा है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं केवल आईडिया आगरा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की जो आगरा के लोग हैं उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा ट्रीटमेंट कम से कम कॉस्ट में मिल सके, जिससे सारे लोग इससे लाभान्वित होने चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है आईडिया आगरा का। समय समय पर हम कैंप लगाते रहते हैं जिससे लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। इसमें करीब 75+ डॉक्टरों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑन द स्पॉट, हो सकता है मे बी 10 से 15 डेंटिस्ट और बढ़ जाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट आएंगे तो नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे, क्योंकि 10 से 12 स्पीकर हैं, 2 दिन कंटिन्यूस रहेगा, सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होगा और ये शाम तक चलेगा। इसमें डेट इसमें 24 और 25 अगस्त का इसमें टाइम रखा गया, सुबह 9:30 से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी, शाम तक ये चलेगी, तो इस तरह से 2 दिन की ये कार्यशाला के साथ ही ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, और सारे मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, जिससे लोगों को जागरूकता मिले, क्योंकि इसमें नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं। पहले जब नफाने लेते थे मुंह के अंदर, आपको पता है, एक ट्रे लेते थे उसमें मेटल डेंटल स्टोन एल्जिनेट डालते थे, अब स्कैनर आ गए मार्केट के अंदर, तो पेशेंट को उल्टियाँ नहीं होती और आपका टेस्ट भी अब चेंज हो गया, एक पेन की तरह डिवाइस होती है, वो पूरे मुँह को स्कैन कर लेती, तो नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, जब तक हम ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को नहीं बताएंगे तो जनता तक ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। नई नई चीज़ें आएंगी, बेनिफिट जनता का ही है कुल मिला के, कम कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट देना ये आईडिया आगरा का उद्देश्य है, शुरू से ही रहा है, और आगे जो जो नई नई चीज़ें आएंगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद पूरी मीडिया का आईडिया आगरा परिवार पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। पूर्व प्रेसिडेंट आईडिया आगरा, ये प्रोग्राम हम दो सालों से बनाते आ रहे हैं, और इसमें मेन हमारा मोटिव रहता है कि हम डेंटिस्ट को अपग्रेड करें, इसीलिए कई सारे हम लोगों ने जो है एक्सपर्ट जो है बुलाए हैं, और ऐसे हमारे जो आगरा के डेंटिस्ट हैं वो सब अपडेट होंगे जो है, और बाकी कुछ बता ही चुके सभी लोग जो है। मैं आईडी आगरा में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, हम लोग इस बार 24 और 25 अगस्त में 2 दिन की कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं डबल ट्री बाई हिल्टन में। इसमें जो नई तकनीकें और जो नई नई बीमारियाँ इस समय शुरू हुई हैं उन्हीं के बारे में हमने ये कार्यशाला रखी है। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या कैंसर के पेशेंट्स में आ रही है कि हम उनको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं,
तो जो हमारी लेक्चर्स होंगे उसमें हमें नई नई तकनीकें बताई जाएंगी किस तरह से कैंसर पेशेंट अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट करके और उसका जल्दी इलाज शुरू करा लें ताकि उसकी इलाज की इलाज बेहतर हो सके। और इसमें हमने एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन भी रखा है, जो हमारे डेंटिस्ट अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम वहाँ पर सम्मानित करेंगे। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो विजय शिवरे जी आएंगे। कितने समय का रहेगा ये प्रोग्राम? प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेक्चर शुरू होंगे, फिर शाम को 5-6 बजे तक हैं सारे लेक्चर्स। आईडी आगरा ब्रांच, ये एक हमारा 2 दिवसीय एक साइंटिफिक प्रोग्राम होने जा रहा है जो होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में आयोजित होगा। 2 दिन की कंप्लीट कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे नंबर ऑफ 10 स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें 4-5 स्पीकर्स जो हैं हमारे काफ़ी ख्याति प्राप्त और इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हैं, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेंटिस्ट्री की है उससे हमें अपडेट करेंगे। किस तरह की कार्यशाला रहेगी ये? एक जस्ट लाइक ये कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप भी है इसमें, है ना, और लेक्चर पार्ट भी है इसमें, और ओरल कैंसर के ऊपर लेक्चर है, और इसमें कॉस्मेटोलॉजी जो आजकल एक नया फील्ड है डेंटिस्ट्री के पास, है ना, उसके ऊपर एक कार्यशाला भी है, लेक्चर है उसका, और एक हमारे इसमें इंटरनेट स्पीकर जो हैं डॉक्टर आजम भटनागर, वो काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, उनसे लेक्चर के लिए तो एक एक साल की मीटिंग्स जर्नली लेनी पड़ती है, तो इस बार उन्होंने भी आगरा आने के लिए समय दिया है और काफ़ी अच्छे लेवल की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ठीक।